ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की इंग्लिश का जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, उसका जो सेक्शन सी है ग्रामर का, ग्रामर के अंदर एमसीक्यूज यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनको साथ में मिलकर हल करते हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ही नोज द बॉय ब्लैंक इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। ऑप्शन है विच हु फेयर। वह उस लड़के को जानता है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है। आदमी के बारे में बात हो रही है, इंसान के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सही जो कंजंक्शन है इस्तेमाल करेंगे हु का, कि वह उस लड़के को जानता है जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। अगर किसी स्थान की, किसी जगह की बात हो रही होती तो वेयर लगाते, अगर किसी वस्तु की बात हो रही होती तो विच लगाते। आगे चलते हैं। His brother is blank RJ in a local radio channel. उसका भाई एक local radio channel में RJ है। जब हम किसी का profession बताते हैं तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं A या N। अब RJ बोल के देखते हैं, RJ। अब R की शुरुआत हो रही है आ से, यानि स्वर से, और अगर स्वर से शुरुआत हो रही है किसी की, साउंड स्वर से शुरू हो रहा है, तो वहां पे हम एन इस्तेमाल करेंगे। तो सही क्या है? एन। तो हिज ब्रदर इज एन आर जे इन अ लोकल रेडियो चैनल। तीसरा है, देर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। ऑप्शन है सम, एनी या मैनी। तो पूल में पानी नहीं है। सेंटेंस देखो क्या लिखा है, देर इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन में सम या एनी दिया हुआ है, तो जब सम या एनी में से कोई हमें चूज करना है, चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? एनी। देर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। मैनी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैनी? क्योंकि मैनी हम यूज करते हैं किसके लिए? काउंटेबल प्लूरल्स के लिए, और वाटर काउंटेबल प्लूरल नहीं है। फोर्थ है, ही हैज ब्लैंक मैनी प्लेज। उसने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। ऑप्शन है राइट, रोट, रिटन। अब देखो, हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सही क्या होगा? रिटन। तो ही हैज रिटन मैनी प्लेज। पांचवा है, ब्लैंक आई टेक योर पेन। ऑप्शन है नीड, मे या यूज्ड। सही क्या होगा? मे। सो मे आई टेक योर पेन। आगे चलते हैं। सिक्स्थ है, वी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ऑप्शंस है ऑट, शुड या मस्ट। देखना, ब्लैंक के बाद टू लिखा हुआ है और शुड या मस्ट के बाद टू नहीं आता है, बल्कि ऑट के बाद आता है। तो सही ऑप्शन क्या है? वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए। सातवां है, व्हेन आई वाज यंग आई ब्लैंक क्लाइंब ट्रीज। कैन या कुड दो ऑप्शन है। सेंटेंस की शुरुआत होती है व्हेन आई वाज, यानी यहां पे हमको पता चल गया कि ये सेंटेंस पास्ट में है, और जब पास्ट में है तो हम कैन नहीं बल्कि कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब द ट्रीज। नेक्स्ट है, I haven't bought blank milk today. दो ऑप्शन है, सम या मैनी। यहाँ पे फिर से देखो, सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ पे हम सम नहीं बल्कि एनी का इस्तेमाल करेंगे। नौवा है, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे। ध्यान रखना, ब्लैंक के बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, जो कि क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के पहले अगर मच या मैनी पूछता है तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे मैनी का। मैनी हम यूज करते हैं प्लूरल्स के साथ। अगला है, हाउ ब्लैंक सुगर डू यू टेक इन टी। यानी आप चाय में कितनी शक्कर लेते हैं? ऑप्शन है मच या मैनी। तो यहां पे सुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं मच का। सो हाउ मच सुगर डू यू टेक इन टी। 11वां है, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। ऑप्शन मूव्स या मूव। अर्थ देखो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे हम मूव नहीं बल्कि मूव्स का इस्तेमाल करेंगे।
बारहवां है ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम। फिर से वही चीज, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए कम नहीं बल्कि हम कम्स का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के हैं। तेरहवां है ब्लैंक गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। ऑप्शन है ए या एन या द। बचपन में हमने पढ़ा है, बहुत सारे कई बार पढ़ा है कि जो पवित्र चीज़ें हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, नदियां हैं और ये जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनके पहले हम द इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी गंगा के पहले द इस्तेमाल करेंगे। द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। चौदहवां है अरुण इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जो अरुण है वो क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा है। ऑप्शन है ए एन और द। यहाँ पे टॉलेस्ट लिखा है यानी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम इस्तेमाल करते हैं द का, तो सही क्या है द। पंद्रहवा है हिज फादर इज ब्लैंक एमएलए। एमएलए बोल के देखो, एम ए से शुरुआत यानी स्वर है, तो स्वर है तो एन, तो हिज फादर इज एन एमएलए। ध्यान रखना ये जो एम देख के यानी ए ई आई ओ यू अगर शुरुआत होती है तो जरूरी नहीं है कि वो एन ही वहां पे लगे, कभी कभी बाकी चीज़ों की शुरुआत होती है तब भी वहाँ पे एन आ जाता है। ध्यान रखना, बोल के देखना, अगर स्वर से शुरुआत हो रही है तो एन, अगर व्यंजन से शुरुआत हो रही है तो ए इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। 16th है दे हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग। ऑप्शन है सिंस या फॉर। मॉर्निंग जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सिंस यानी सुबह से खेल रहे हैं। 17वां नंबर है वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। ऑप्शंस हैं सिंस फॉर, तो सही ऑप्शन है यहाँ पे फॉर। अब समझो, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा यानी काम कब से शुरू हुआ है पता चलता है, सुबह से शुरू हुआ है जैसे 16वें सेंटेंस में। उसके बाद फिर हम 3 साल से पढ़ रहे हैं, अब शुरुआत कब से हुई है वो एग्जैक्ट टाइम हमको पता नहीं है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। आगे चलते हैं। दे विल गो टू दिल्ली ब्लैंक मंडे। ऑप्शन है इन ऑन या एट। हम यहां पे देख रहे हैं कि मंडे यानी दिन है, तो दिन के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। वी वेंट टू कश्मीर ब्लैंक अप्रैल। अप्रैल है ना, मंथ है, तो हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे इन। मंथ के साथ, ईयर के साथ इन इस्तेमाल करते हैं, दिन के साथ, डेट के साथ ऑन इस्तेमाल करते हैं, और अगर दिन का कोई समय है 11 बजे 12 बजे 13 बजे तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे एट। अच्छा, वो 13 जो है वो बजता है ट्रेन के टाइम पे बजता है, पुलिस वालों के में जो टाइमिंग चलती है वो भी 24 घंटे वाली चलती है, तो जो टाइमिंग होती है दिन की टाइमिंग वहां पे एट। ओके, 20वां है हिज अंकल डाइड ब्लैंक कैंसर। यानी उसके जो अंकल हैं कैंसर से मर गए, तो जब कोई बीमारी से मरता है वहां पे अगर कोई प्रेपोजिशन यूज करना हो तो हम यूज करेंगे ऑफ का। फ्रॉम तब यूज करेंगे जब उस चीज से पीड़ित हो रहे हो कि यहाँ ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, जिंदा है अभी सफर कर रहा है पीड़ित है, लेकिन अगर मर जाए, मान के चलो मलेरिया से मर जाता तो हिज अंकल डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है, तो कैंसर के साथ, मलेरिया के साथ, डेंगू के साथ, इन सारे चीज़ों के साथ अगर कोई मरता है, मतलब बीमारियों के साथ कोई मरता है, तो वहाँ पे ऑफ इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीड़ित है तो फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। आगे है ही इज अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स। ऑफन ऑप्शन से फ्रॉम ऑफ या टू। अफ्रेड मतलब होता है भयभीत, और अफ्रेड के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन पूछे तो वो होता है ऑफ यानी भयभीत। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स यानी वो डॉग से भयभीत है। 22वां नंबर है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक आई एम इल। यानी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं ब्लैंक आई एम इल। ऑप्शन है एंड सो बिकॉज। एंड यानी और, सो यानी इसलिए, बिकॉज यानी क्योंकि, तो सही फिट क्या बैठ रहा है बिकॉज कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। 23वां नंबर है ब्लैंक यू वर्क हार्ड यू विल पास। ऑप्शंस हैं इफ या अनलेस। समझने की कोशिश करना, इफ मतलब होता है यदि और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। दोनों को बारी बारी रख के देखते हैं। पहला है कि यदि तुम
हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो तो तुम पास होगे। अनलेस को रख के देखते हैं कि यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो तो पास हो जाओगे, तो सही क्या बैठ रहा है? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। 24वां है, आई प्रिफर कॉफी ब्लैंक टी। ऑप्शंस है टू देन या फ्रॉम। तो जब प्रिफर आए, सुपर आए, सुपीरियर आए, सीनियर आए, जूनियर आए, तो वहां पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई प्रिफर कॉफी टू टी, ध्यान रखना। 25वां है, द पेशेंट हैड डाइड ब्लैंक द डॉक्टर अराइव्ड। यानी जो पेशेंट है वो डॉक्टर के आने के पहले ही मर गया था। सो बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ध्यान रखना। 26वां है, भोपाल इज ब्लैंक ग्वालियर। भोपाल इज लार्जर ब्लैंक ग्वालियर। ऑप्शंस है फ्रॉम टू या देन। तो भोपाल ग्वालियर से बड़ा है, ऐसा ये सेंटेंस बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो लार्जर है ये है कंपैरेटिव डिग्री, और अगर कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए तो हम साथ में इस्तेमाल करते हैं देन का, यानी टी एच ए एन। 27वां है, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर ब्लैंक अराइव या अराइव्ड, ध्यान रखना। अब यहां पे देखो वर लिखा हुआ है और नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये भी, अच्छा वर से क्या पता चला कि ये पास्ट में है, तो यहां पे भी हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, अराइव्ड लगाएंगे, तो ये सेंटेंस भी पास्ट में हो जाएगा। तो सही क्या है? अराइव्ड। 28वां नंबर है, डोंट लीव दिस प्लेस ब्लैंक आई कम बैक। ऑप्शन है अनटिल या व्हेन। अनटिल मतलब जब तक नहीं, और व्हेन यानी जब। तो सही क्या है? अनटिल, कि जब तक मैं वापस नहीं आता इस जगह को मत छोड़ना, मतलब यहां से मत जाना। 29वां नंबर देखो, आई ब्लैंक बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। तो सही क्या होगा यहाँ पे? वुड। तो जब मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वह मोबाइल खरीदता। सही है क्या? वुड। 30वां नंबर है, शी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। तो अगर वो विलेज में रहती थी, यानी मधुर बातें याद कर रहे हैं या फिर पुरानी आदतें याद कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू या फिर वुड। यहाँ पे ऑप्शन दिया है वुड, यानी कि जब वो गांव में रहती थी तो रोज टेम्पल जाती थी, रोज मंदिर जाती थी, तो क्या होगा? वुड। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। ओके, आगे चलते हैं। He wanted to blank an engineer. अब ध्यान रखना, ऑप्शन क्या है? Become, becomes या becoming. Wanted to. अब to के बाद verb की first form आती है, तो हम क्या लिखेंगे? Become. He wanted to become an engineer. First form रहेगी. My father is a blank teacher. ऑप्शन है retire, retiring, retired. तो सही क्या है? Retired. My father is a retired teacher. 33वां है, He avoids blank टू स्ट्रेंजर्स टॉक टॉक्ड टॉकिंग। तीन ऑप्शन है, तो सही क्या है? टॉकिंग। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। 34वां है, ब्लैंक गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। यानी जो बिका हुआ माल है वो वापस नहीं होगा, तो सही क्या है? सोल्ड। सोल्ड गुड्स, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। गुड्स यानी वस्तुएं, देखना कभी ट्रैक, जो ट्रक रखे होते हैं, आते जाते हैं, सामान ढोते हैं, तो उसमें लिखा होता है ऊपर गुड्स कैरियर, यानी सामान को ढोने वाले। 35वां है, आई हर्ड सम किड्स ब्लैंक फॉर हेल्प। हर्ड लिखा यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट है, तो यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे शाउटेड। आई हर्ड सम किड्स शाउटेड फॉर हेल्प। आगे चलते हैं, वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल। यानी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे या फेल हो जाओगे। तो सही क्या रहेगा? और यानी अथवा, बट यानी लेकिन, एंड यानी और, दोनों सही जम नहीं रहे हैं, तो सही जम रहा है और। वर्क हार्ड और यू विल फेल। 37वां है, ही इज ब्लैंक आवर लेट। आवर एच लिखा है, लेकिन फिर भी इसकी जो प्रोनंसिएशन है, बोलने का तरीका है, उच्चारण है, वो अ से शुरू हो रहा है, तो इसलिए, अच्छा अ क्या स्वर है, तो स्वर है क्या एन से इस्तेमाल, हम मतलब स्वर से शुरुआत हो रही है तो एन इस्तेमाल करेंगे। ही इज एन आवर लेट, वह एक घंटे लेट है। 38वां है, स्प्रेड प्लीज स्प्रेड ब्लैंक बटर ऑन ब्रेड। अ फ्यू, अ लिटल ऑफ यू,
तीन ऑप्शन है, ध्यान रखना। जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं लिटिल का, और जो काउंटेबल होती हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं फ्यू का। यहाँ पे दो ऑप्शन फ्यू के हैं, एक ऑप्शन लिटिल का है, और बटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो हम इस्तेमाल करेंगे लिटिल का। सो प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, यानी ब्रेड पर थोड़ा सा यानी थोड़ा बहुत बटर जो है वो स्प्रेड कर दो, फैला दो। 39वां नंबर है कि ही हैज गिवन ब्लैंक स्मोकिंग, अच्छा छोड़ना, गिव अप बोल रहा है यहाँ पे। किसी चीज को छोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेजल वर्ब गिव अप का, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है अप, गिव अप। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, सही ऑप्शन है अप। फिर 40th है, वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, ऑप्शन क्या क्या है, शुड, यूज्ड और ऑट। यहाँ पे अगर यूज्ड और ऑट अगर इनकेस अगर होना चाहिए था तो यहाँ पे टू होता, लेकिन यहां पे टू वगैरह नहीं दिया है, तो सिंपल सा एक चीज बची है जो कि है शुड। तो वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। तो ये रहे हमारे 40 एमसीक्यूज और उनके आंसर्स। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।